क्या आप भी अपने फ्लावर को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जो आपने फ्लावर ऑन रखा हुआ है उसका हेड सबसे अच्छा हेड हो, एक फुटबॉल की जैसा हो? क्या आप भी चाहते हैं जो उसके कलर्स हैं बेस्ट टू बेस्ट कलर्स हो, या जो उसके पर्ल्स हैं वो भी बेस्ट टू बेस्ट हो? तो दोस्तों, अगर ये सब कुछ आप चाहते हैं तो ये वीडियो जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये उसी टॉपिक के ऊपर है। ये टॉपिक का नाम है कि हाउ टू ग्रूम योर फ्लावर ऑन टू रीच इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब कि आप अपने फ्लावर ऑन की ग्रूमिंग ऐसे कैसे करें कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक चले जाए, ठीक है ना। तो मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लुएफेटिक्स पे, जिसमें कि आपको फ्लावर ऑन या दूसरी फिशेज से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करा जाता है, ठीक है। और बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट्स बताया जाता है, कमेंट्स का टाइम टू टाइम रिप्लाई करा जाता है। मतलब आपकी सबसे अच्छी हेल्प लुएफेटिक्स चैनल के ऊपर करी जाती है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा था कि हम लोग एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, एक नया एक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस के, फॉर एवरी 100 सब्सक्राइबर्स हम लोग एक ट्री लगाएंगे। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हमने अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दी, हमने नोट कर लिया है कि हमारे लास्ट सब्सक्राइबर्स कितने थे वो वीडियो लाइव होने से पहले, ठीक है। अब जैसे ही वो 100 तक रीच होगा हम लोग एक ट्री लगाएंगे, तो प्लीज मेरी इसमें हेल्प करें आप, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो देट हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगा पाए, ठीक है। और ट्री से आपको बताइए कितना बेनिफिट होता है। तो आइए हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी फ्लावर रूम को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। देखिए, फ्लावर रूम ग्रूमिंग एक बहुत ही अच्छा टास्क है, एक बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है बट बहुत ही एंजॉयबल टास्क है कि आप इसमें बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आपने टिप्स और ट्रिक्स सीख लिए कि आप अपनी फ्लावर रूम को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जीन्स मैटर करते हैं, ठीक है, उसके अच्छे हेड के लिए, उसके कलर के लिए, उसके पर्ल्स के लिए। बट इन एनी केस अगर उसकी आपने केयर नहीं करी तो वहां पे अच्छे जीन्स होने के बावजूद भी आपका फ्लावर ऑन ग्रूम नहीं कर पाता, या जिसको जितना उसका पोटेंशियल था वो उस लेवल तक नहीं जा पाता, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कमी रह जाती है उसकी ग्रूमिंग में। तो मैं इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने फ्लावर ऑन की ग्रूमिंग कर सकें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट का क्या है कि आपने जब भी फ्लावर ऑन बाय करना है उसके लिए एक अच्छा सा टैंक साइज रखें। ऐसा नहीं है कि आप उसे 1 फीट में रख रहे हैं, 2 फीट में रख रहे हैं, कम से कम एक 3 फीट का फ्लावर ऑन का टैंक होना ही चाहिए जिसमें आप अपने फ्लावर ऑन को रखेंगे। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आज आपने बेबी लिया है और उसके लिए आपने 1 फुट का टैंक रखा हुआ है, कल को जब वो बड़ा हो रहा था आप उसे नए टैंक में मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका फ्लावर ऑन स्ट्रेस में भी जा सकता है, तो बेटर यही रहेगा कि स्टार्टिंग में ही आप एक 3 फीट का टैंक ले लें, 3 फीट का, और उसके अंदर आप अपने फ्लावर ऑन को सेटअप कर दें। स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट जो यही है कि मिनिमम 3 फीट का टैंक होना ही चाहिए फ्लावर ऑन के लिए। सेकंड पॉइंट आता है कि उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट फिल्टर लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि काफी लोगों ने स्पॉन्ज फिल्टर यूज करा होता है उसके अंदर कि मेरा फ्लावर ऑन फिल्टर से परेशान हो जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं परेशान होता फ्लावर ऑन फिल्टर से या किसी और चीज से, ठीक है। मेरे पास मेरे टैंक के अंदर 50 वॉट का मोटर लगी हुई है जो उसके अंदर मींस हमने फिल्टर यूज करा हुआ है, उसकी वॉटेज जो है 50 वॉट की है और उसका प्रेशर इतना खतरनाक है, फिर भी देख लो आपके सामने है मेरा फ्लावर ऑन कैसी कंडीशन है। आप देख सकते हैं उसका हेड कितना अच्छा है, उसके कलर इतने अच्छे हैं, कोई स्ट्रेस में नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं कि आपको फ्लावर ऑन जो फिल्टर आप यूज करें फ्लावर ऑन से परेशान हुआ। हाँ, आप बबल्स कम कर दीजिए उसके, आप बबल्स हटा ही दीजिए। आप मेरे टैंक में देख सकते हैं कि कोई बबल्स नहीं आ रहे फिल्टर के थ्रू, क्यों? क्योंकि मैंने पाइप निकाल रखा है, ठीक है। तो आप भी एयर वाला पाइप निकाल दीजिए, उससे बबल्स आपके हट जाएंगे। तो फ्लावर ऑन अगर आपको लग रहा है कि आपके फिल्टर से परेशान हो रहा है तो ऐसे करने से वो परेशान नहीं होगा, ठीक है। आप अच्छे से अच्छा फिल्टर यूज करें, स्पॉन्ज फिल्टर हटा दें, कोई उसमें यूज नहीं होता, कोई वो फिल्ट्रेशन नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। आप एक वैसे रखना चाहते हैं स्पॉन्ज फिल्टर एक रख लीजिए, ठीक है, फॉर एरेशन पर्पस, बट उसे मेन फिल्टर मत कंसिडर करिए अपना। आप अपना उसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट फिल्टर लगाइए, आप कनिस्टर फिल्टर तक भी लगा सकते हैं फ्लावर ऑन के टैंक के अंदर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बेस्ट टू बेस्ट फिल्टर आपके लिए कनिस्टर है तो आप कनिस्टर तक भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेस्ट टू बेस्ट फिल्टर लगाइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है आपके फ्लावर ऑन के लिए कि डेकोरेशन से बचे। फ्लावर ऑन को मैंने टैंक में देखा, कई लोगों ने प्लांट्स लगा रखे होते हैं या कई लोगों ने बॉटम में स्टोन्स डाल रखे हैं। देखिए, फ्लावर ऑन बहुत ज्यादा गंद डालता है, बहुत ही ज्यादा पॉटी भी करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खाता है वो,
तो आपके लिए बहुत मुश्किल है उन स्टोन्स को क्लीन करना एवरी वीक। अगर आप नहीं क्लीन करेंगे तो आपकी वाटर क्वालिटी खराब होती है, और वाटर क्वालिटी खराब होगी तो आपको पता ही है वाइट टूथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर यही है अपनी लाइफ को इजी थोड़ा सा करके रखें, उसके स्टोन्स वगैरह हटा दें और अननेसेसरी की डेकोरेशन उसमें से रिमूव कर दें, क्योंकि कई बार डेकोरेशन की वजह से भी फ्लावर ऑन मतलब स्ट्रेस में आ जाता है। तो बेटर यही आप डेकोरेशन हटा दें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर ऑन की फीड। आप कोशिश कीजिए अपने फ्लावरों को बेस्ट टू बेस्ट फीड दीजिए और बैलेंस डाइट दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही फीड पे लगे हैं पूरा पूरा वीक एक ही फीड दी जा रहे हैं, या तो उसे पैलेट्स दी जा रहे हैं या उसे ब्लड वॉर्म्स दे रहे हैं, श्रिंप्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस्ड फीड दीजिए कि वीक में 2 दिन या 3 दिन आपने ब्लड वॉर्म्स और श्रिंप्स देने हैं, बाकी टाइम पैलेट्स दीजिए, ठीक है। बेस्ट टू बेस्ट डाइट दीजिए, आपका फ्लावरों डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। हाँ, जींस रोल प्ले करते हैं जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया, बट फीड भी जरूर हेल्प करती है फ्लावरों की ग्रूमिंग में, ठीक है। अगर फीड ना हेल्प कर रही होती फ्लावरों की ग्रूमिंग में तो आप गोल्ड फिश का फीड भी दे सकते थे अपने फ्लावरों को, ठीक है। बट उससे वही है कि हाई प्रोटीन नहीं होगा उस फीड के अंदर, तो आपके फ्लावरों का हेड नहीं ग्रो करेगा, फ्लावरों नहीं ग्रो करेगा, फ्लावरों का साइज नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए बेस्ट टू बेस्ट फीड दीजिए और बैलेंस डाइट दीजिए, मतलब मेजर फोकस आपका बैलेंस डाइट के ऊपर रहना चाहिए। हमेशा बैलेंस डाइट दीजिए, खाली पैलेट्स के ऊपर मत रखिए अपने फ्लावरों को, ब्लड वॉर्म्स, श्रिंप्स, मील वॉर्म्स, ठीक है। आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शन है बैलेंस डाइट के लिए। अगर आपको नहीं पता बैलेंस डाइट के लिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग आपकी जरूर हेल्प करेंगे कि क्या क्या आप अपने फ्लावरों को उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग आप क्या क्या फीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी वीडियो के बीच में भी बताया था, वाटर क्वालिटी। देखिए फ्लावर ऑन को वाटर क्वालिटी बहुत ही अच्छी चाहिए, मतलब इनको TDS, इनको PH, हर चीज बहुत एक लिमिट में चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका TDS भी बढ़ गया और आपका PH भी बढ़ रहा है वाटर का और आपने फ्लावर ऑन रखा हुआ। देखिए ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका फ्लावर ऑन फॉर श्योर इले होनेगा, मतलब बीमारी हो जाएगा उसको, व्हाइट प्रूफ हो सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके फ्लावर ऑन के टैंक का TDS बहुत खराब था या वाटर क्वालिटी बहुत खराब थी, TDS की बात करते हैं, पर कहते हैं वाटर क्वालिटी बहुत खराब थी। सडनली आपने क्या करा, एक संडे को आपने वाटर चेंज कर दिया, 50-60% रेट से आपने वाटर चेंज कर दिया। उससे क्या होगा ना, जैसे ही आपने नया वाटर डाला, फ्लावर ऑन उस वाटर केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएगा और उसे वाटर शॉक लग सकता है और वो स्ट्रेस में जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले वाटर क्वालिटी बहुत खराब थी, सडनली आपने इतना ज्यादा पानी चेंज कर दिया, तो फ्लावर ऑन को नए वाले पानी का सिस्टम नहीं समझ आएगा, उसके लिए वो नया एनवायरमेंट हो जाएगा, तो उस वजह से वो स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो बेटर यही है आप स्टार्टिंग से ही वाटर क्वालिटी अच्छी करके रखें उसकी। आप देख सकते हैं मेरे टैंक के बीच में भी कि पानी देखिए कितना साफ है, क्यों? क्योंकि मैं हर संडे के संडे मैंने वाटर चेंज करना ही करना है, कभी 30% भी कर देता हूँ, कभी 50% भी कर देता हूँ, कभी 60% भी कर देता हूँ, मतलब मैंने करना ही करना है। मैंने स्पॉन्ज जरूर साफ करना है अपने टैंक के, सो दैट जो स्पॉन्ज के अंदर गंद फंसा हुआ है वो जो मैंने नया वाटर डाला है वो दोबारा उसके अंदर ना मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर भी मतलब अगर आप वाटर चेंज कर रहे हो, स्पॉन्ज नहीं चेंज कर रहे तो वाटर क्वालिटी दोबारा जल्दी से ही खराब हो जाएगी। तो बेटर यही है आप भी स्पॉन्ज वगैरह टाइम टू टाइम चेंज करते रहे, वाटर क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके रखें। दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए फ्लावर एंड ग्रूमिंग ये नहीं है कि आज ही आपने वीडियो देखी और सडनली ये फॉलो करा आपने और 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में आपका फ्लावर ऑन एक ग्रूम होके मतलब बहुत ही कंपटीशन लेवल का बन गया। फ्लावर ऑन ग्रूमिंग एक टाइम लेती है, आप इस चीज को एंजॉय करें, आप अपना बेस्ट दें, मतलब आप अपने बेस्ट एफर्ट्स करें फ्लावर ऑन की ग्रूमिंग में, आप कोई भी कमी ना छोड़ें। इससे क्या होगा, आपको ये रहेगा कि यार मैंने बहुत अच्छा करा था मेरी फ्लावर ऑन को, या तो मेरी फ्लावर ऑन की जीन्स अच्छे नहीं है, वो मेरे को रिजल्ट नहीं दे पाई, या कुछ ना कुछ और कमी रह गई होगी, ठीक है। मतलब क्या है, पेशेंस जरूर रखनी है आपको इस चीज में ग्रूमिंग के लिए, और ग्लू एक्वेटिक से मैं तो बैठा ही हूँ आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा इस चीज में, ठीक है, कि कैसे ग्रूमिंग करी जाए। उससे क्या आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी, और ज्यादा हेल्प मिलने से मतलब क्या है कि आपके फ्लावर ऑन को इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। पेशेंस जरूर रखिए, पेशेंस इज द की, मतलब फ्लावर ऑन की ग्रूमिंग एक नाइट में नहीं हो सकती, थोड़ा सा टाइम लेती है, 3 months, 4 months, 6 months, हो सकता है इससे भी ज्यादा टाइम ले ले, बट हाँ अगर आपके फ्लावर ऑन के जीन्स अच्छे हैं और वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकती है तो वो हम उसे लेके जाएंगे। आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपके फ्लावर ऑन जरूर जाएगी मैक्सिमम पोटेंशियल तक, ठीक है। एक दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर है कि
आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपका फ्लावरन बीमार तो नहीं है, वो खाना खाना तो नहीं छोड़ रहा, या वो वाइट फूड तो नहीं कर रहा, या वो स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा, या आप उसके ऊपर ब्लैक मार्किंग्स तो नहीं देख रहे, ठीक है ना। इस चीज को जरूर टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ये ऐसा तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फ्लावरन को टाइम दे रहे हैं, दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, या इससे भी ज्यादा टाइम अगर आप दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है बट हमने फ्लावर ऑन रखा हुआ है, हम क्या करते हैं आए फीड डाला और चले गए, इससे क्या कई बार फ्लावर ऑन आपको ही देख के स्ट्रेस में चला जाएगा। तो बीइंग एन ओनर आपको कितना गंदा लगेगा कि यार मैं तो मालिक हूँ और मेरे को देख के मेरा फ्लावर ऑन डर ही जा रहा है, तो सोच सकते हैं कितनी अजीब सी बात है। तो इसलिए आप अपने फ्लावर ऑन को टाइम जरूर दीजिए और उस टाइम के अंदर चेक करते रहिए कि जो आपने फीड डाला है आपके फ्लावर ऑन ने खाया है या नहीं खाया। अगर नहीं खाया है तो क्या रीजन हो सकता है, उस रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा से आप हमारे पास आके कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे या किसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और हमारी कोशिश रहती है कि हम 100% रिप्लाई करेंगे। मतलब अगर दिन के हमारे पास 100 कमेंट्स भी आए हैं तो हम 100 कमेंट्स को भी रिप्लाई करते हैं। कई बार ये होता है कि अभी कमेंट आया और विद इन 5 सेकंड हमने उसका रिप्लाई करा, आप चेक भी कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, ऐसे ऐसे हमारे पास कमेंट्स आए हुए हैं लोगों के। कोशिश हमारी ये रहती है 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करें हमारे पास जितने भी आए हैं। हमने इसके अंदर मोबाइल ऐप डाल रखी है और नोटिफिकेशन बंद करी है, तो जैसे ही किसी का कमेंट आता है हमारे पास नोटिफिकेशन आती है और हम साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि उसका रिप्लाई करा जाए। तो आप भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे या हमारे किसी और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपने जो भी आपकी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब कमिंग बैक टू अवर वीडियो के, जो हमारी वीडियो है, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए, आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ना और उनको ग्रुप करके चलेंगे तो देखना आपके फ्लावर ऑन कितना अच्छा एक यूनिक सा एक मतलब पीस निकल जाएगा कि जो फ्लावर ऑन है बहुत ही अच्छी फिश बन जाएगी अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट्स को पैरेलली फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई पॉइंट मिस कर देते हैं और फिर भी कहते हैं कि यार ग्रूमिंग तो होनी चाहिए, तो प्लीज इन पॉइंट्स को पैरेलली फॉलो करें और आपको जरूर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपके फ्लावर ऑन के जीन्स अच्छे हैं। तो अगर जीन्स अच्छे नहीं आए तो आप जो मर्जी कर लो, फिर तो मतलब ठीक है एक नॉर्मल सा हो जाएगा। और हाँ, एक और बात जो कि मैं भूल रहा हूँ, कोशिश कीजिए फ्लावर ऑन को दूसरी फिशेज के साथ मत रखिए। मेरे पास आज भी एक ऐसा वीडियो आया हुआ था किसी का, फ्लावर ऑन सेल कर रहा था बंदा, उससे मैंने जब बात करी कि क्यों सेल करे हो, कह रहा है इसका हेड तो आया था, और मैंने उस फ्लावर ऑन का पोटेंशियल देखा ना, उसका इतना अच्छा पोटेंशियल था, सिर्फ क्या था कि उन्होंने दूसरी फिशेज के साथ रखा हुआ था लाइक पीकॉक बास है किसी और किसी चीज के साथ, तो वो फ्लावर ऑन डर रहा होगा या जो भी हो रहा होगा, उसका हेड बिल्कुल था ही, तो इसलिए बंदा उसको सेल कर रहा था। मैंने उनको बताया कि आप इसको अलग कीजिए, आप देखते हैं मतलब महीने बाद है, 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, उसका कैसा रिजल्ट आता है। और आप भी ये कोशिश कीजिए फ्लावर ऑन को अकेला ही रखिए, वो अकेला ही टैंक में अच्छा लगता है, किसी और फिश के साथ मत रखिए, ठीक है। और ये तो क्या प्रॉब्लम घूमेगा, लास्ट में मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए इस फिश को एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छी फिश है, आपकी मूवमेंट्स पे फिश भी मूवमेंट करती है, ठीक है। आप फिंगर वहां चलाते हैं तो वो आपको फॉलो कर रही है, आप उसके आसपास जा रहे हैं तो वो लाइक जैसे आपके डॉग्स पूंछ हिलाते हैं आपको देख के, तो वो आपके फ्लावर ऑन भी वैसे ही पूंछ हिला रही है, ठीक है। तो प्लीज इसी तरह टाइम स्पेंड कीजिए इसके साथ, इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल हॉबी है। अगर आप फ्लावर ऑन रख रहे हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल हॉबी है, ठीक है। गोल्ड फिश वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, रवाना वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती होगी, या कोई और जो बाकी की फिशेज है वो वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती, बट फ्लावर ऑन एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है, टैंक के अंदर अलग ही पहचान होती है उसके, ठीक है, फ्लावर ऑन की। तो प्लीज इसको एंजॉय कीजिए, इसको स्ट्रेस मत लीजिए और इन ग्रूमिंग टिप्स को फॉलो करते रहो, और आपको देखना आपका फ्लावर ऑन कितना अच्छा रिजल्ट देगा आपको उस चीज का, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, भूलिए मत, मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम लोग एक ट्री लगाएंगे, तो प्लीज इस चीज को सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।